हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं प्रिंसेस का थेल्टर नेक ब्लाउज़ का, आज हम ये वाला ब्लाउज डिज़ाइन करेंगे। ये मैंने पेपर ले लिया है, इसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ मेज़र कर लेते हैं इसमें ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की हमारी टोटल लेंथ है 14 इंच। 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करते हैं और फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 से 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो ये 15.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच। 14 को हाफ करने पर हो जाता है 7 इंच। तो 7 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 7 इंच हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट आपकी जितनी है उसको 4 से डिवाइड करें। 1 से 1/2 इंच उसमें लूजिंग के लिए ऐड करें और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करें। चाहे तो 2 इंच पे भी आप मार्जिन का निशान लगा सकते हैं। जितना आपका यहाँ पर आया है टोटल मेजरमेंट, उतना ही आप यहाँ पर नीचे एक बार के लिए मार्क कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी जितनी है उसको 4 से डिवाइड करने पर हमारा जितना आता है उस पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बचेगा वो हमारा हो जाएगा टक्स के लिए पॉइंट, ये वाला। तो टक्स हमें कहाँ पर लगाना है? जो हमारी चेस्ट होती है उसका 10वां भाग होता है, उस उतना हम यहाँ पर विड्थ लेते हैं टक्स पॉइंट को मिलाने के लिए। तो 10वें भाग पे हम विड्थ का निशान लगा देंगे एक बार के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करते जाइएगा। और चेस्ट का हमारा जो 4th पार्ट होता है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बस्ट पॉइंट की लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेस्ट के 4th पार्ट में 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा इस तरह से। और ये जो विड्थ है और ये जो लेंथ है बस्ट पॉइंट की, उसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा मिला दीजिए। तो ये सभी मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज की ये ड्राफ्टिंग करते जाइएगा। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप लेनी है। तो टक्स के लिए हमें जितनी यहाँ पर हमारी विड्थ आई है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम हाफ में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। इस पॉइंट से दोनों साइड में निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये हम बेल्ट ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, तो 1.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को एक बार के लिए स्ट्रेट में मिला देंगे। अब ये जो हमने 1.5 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, जो हमने ये वाला पॉइंट हाफ में लिया था ये वाला, इतना ही यहाँ पर भी एक बार मार्किंग कर देंगे जितना हमारा यहाँ पर आया है। इन लाइंस को हम एक बार डॉटेड पॉइंट लगाते हुए सीधा कर देंगे। सिर्फ हम डॉटेड पॉइंट ही लगाएंगे, डार्क लाइन यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे उस टाइम हम यहाँ पर डार्क कर देंगे इस लाइन को। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ हम लेंगे, जो हमारा ये बस्ट का सेंटर पॉइंट है, इससे 1 इंच लाइन को हम डॉटेड पॉइंट से मिलाते हुए ऊपर बढ़ा देंगे यहाँ तक इस तरह से। अब यहाँ तक हमें इस लाइन को मिला देना है। तो हम यहाँ पर राउंड शेप में इस लाइन को मिलाएंगे। तो इस तरह से एक बार हम डॉटेड पॉइंट लगाते हुए लाइन को मिला लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जैक्ट मार्किंग डार्क लाइन से करेंगे। अब इस पे हम राउंड शेप इस तरह से लगाएंगे।
अब इन लाइनों को हम डार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये डार्क वाली जो लाइन है इन पे हमें कटिंग करनी है। अब हमें इधर निशान लगाना है, तो ये जो हमारा ये वाला ये पॉइंट है इससे हम आधा इंच से एक इंच अंदर की साइड में एक मार्क करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हम आर्म होल लगा रहे हैं, ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है, ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है। तो इस वाले आर्म होल को हम मिला लेंगे एक बार के लिए इस तरह से। तो डॉटेड पॉइंट में ही हम ये आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से एक इंच हमें अंदर की साइड में एक निशान लगाना है यहाँ पर। अब इस निशान से हमें यहाँ पर इस तरह से शेप लगा लेनी है जो हमने ये एक इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया था। यहाँ पर हम डॉटेड पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर हाफ हाफ इंच प्लीट्स के लिए मार्किंग करनी है, तो इस पॉइंट से दोनों साइड में हम हाफ हाफ इंच प्लीट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये पॉइंट भी हम डॉटेड लगा रहे हैं एक बार, बाद में हम इसकी गोलाई कर देंगे। एग्जैक्ट पॉइंट पे हम डार्क मार्किंग करेंगे क्योंकि निशान इस तरह से लगाने से जो होते हैं बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं और फिर हमें बाद में समझ नहीं आता कि हमें कौन से निशान के ऊपर कटिंग करनी है, तो इसलिए मैं ये डॉटेड पॉइंट लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा कर्व डालते हुए इधर और मार्किंग कर लेनी है। तो ये जो हमारी ये चोंची जो निकल जाती है इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से कटते हुए और अपने यहाँ पर राउंड शेप लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इस मार्किंग को हम सीधा मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये शेप है एकदम परफेक्ट प्रिंसेस कट की शेप में नज़र आ रही है। तो इस तरह से हमने ये प्रिंसेस कट की मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर इस साइड से इस साइड तक जितना फैब्रिक आपका बच जाता है उतना आप ले लीजिए, यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए इतना आया है। और जितनी आपकी कमर है उसका फोर्थ पार्ट जो है वो यहाँ पर आप इस साइड में रखिए ये वाला, और फिर यहाँ तक जो मार्किंग आपकी करी है आपने वहाँ तक एक मार्क कीजिए इतना। तो ये आपका हो गया आप फिटिंग का एग्जैक्ट पॉइंट। यहाँ से आप डेढ़ इंच मार्जिन के लिए ले लीजिए। तो ये आपकी मार्किंग हो गई है। अब इन मार्किंग को हम मिला लेते हैं। यहाँ से हमें जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है यहाँ से हमें एक इंच या फिर आधा इंच या पौना इंच आप जैसा चाहें वैसा ऊपर की तरफ एक मार्क कीजिए और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से तिरछा मिला दीजिए। अब हमें यहाँ पर जो हम नेक यहाँ पर बनाने वाले हैं उसके लिए मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पर हेल्टर नेक बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस नेक की आपको मैं कटिंग सिखाऊंगी। तो आप देखिए यहाँ पे हम नेक की, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की यहाँ पर चौड़ाई ले सकते हैं। आप अपने नेक को एक बार मेज़र कर लीजिए इसकी हेल्प से और फिर उसको हाफ में इस तरह से डिवाइड कीजिए। तो फ्रंट फ्रंट पार्ट का आपको नेक यहाँ पर मेज़र करना है, सिर्फ जो आपका फ्रंट पार्ट में जाए यहाँ यहाँ तक जो नेक दिखता है उसको आप मेज़र कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नेक की विड्थ रखिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख रही हूँ नेक की विड्थ 2.5 इंच। और जितनी आपने यहाँ पे विड्थ रखी है उतनी ही आप नेक की लेंथ रखिएगा। तो 2.5 इंच पे ही मैं नेक की लेंथ भी रख रही हूँ। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से एक बार मिला लेंगे राउंड शेप लगाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर हाई नेक बनाने वाले हैं तो आप इसी तरह से मार्किंग कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर नेक डीप बनाएंगे तो आप जितना आप नेक की लेंथ रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नेक की लेंथ डीप रखूँगी। अगर आप यहाँ पर हाई नेक बनाएंगे, बंद बिल्कुल नेक को करेंगे, तो आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। अभी इस मार्किंग को मैं स्किप कर देती हूँ। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे क्योंकि हाई नेक वाला ब्लाउज़ मैंने एक अपने चैनल पर पहले से ही डाला हुआ है
अगर आपको वो वाला ब्लाउज सीखना है तो आप चैनल पे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। तो अब नेक की लेंथ अगर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जितना आप डीप नेक यहाँ पर बनाना चाहें उतना आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 इंच की मार्किंग की है और जितनी हमने यहाँ पर विड्थ रखी है सेम वही विड्थ हम यहाँ पर एक बार लगा लेंगे इस तरह से। तो ये वी शेप की हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ 1.5 इंच की हमें यहाँ पे स्ट्रैप रखनी है, तो 1/2 इंच हमें इधर उसके लिए सिलाई मार्जिन के लिए रखना है और 1/2 इंच हमें इधर सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पर विड्थ का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हमें आर्म होल वाले निशान से मिला देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने नेक की स्ट्रिप रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नेक की स्ट्रिप रख सकते हैं। अगर आप और पतली यहाँ पर स्ट्रेप रखना चाहते हैं तो आप इसको और अंदर की साइड में थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। जितना आप अपने अकॉर्डिंग रखें उसी शेप में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो अब हमें ये स्ट्रैप आगे बढ़ानी है, क्योंकि हम इसी में से ही हम अलग से स्ट्रैप नहीं कट करेंगे, इसी में से ही हम जॉइंट स्ट्रैप बैक के लिए लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमें जितना हमने यहाँ पर लिया है इस लाइन को एक बार हम 4 इंच तक आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से 1/4 इंच पर एक मार्किंग करनी है इस तरह से, और इधर से भी हमें वही 1/4 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब जो ये हमारी ये वाली लाइन है इसको हमें इस तरह से यहाँ पर मिला लेना है। तो ये वाली मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब जो बैक पार्ट की मार्किंग है वो हमें इसी पार्ट को रखते हुए करनी है, तो एक बार के लिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हम जब फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो इस साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है और इस साइड में 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। जब फैब्रिक पर हम कट करेंगे तब तो ये हमारी अल्टर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की और बैकलेस जो हमारा ब्लाउज़ है इसकी ऑलमोस्ट कटिंग ड्राफ्टिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग के मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। अगर आपको हेल्टर नेक ब्लाउज की स्टिचिंग देखनी है तो इसका वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसकी ड्राफ्टिंग अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, और कमेंट के थ्रू या फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके मैं इसकी पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।